हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरफन सबीरा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोग के दुआ के साथ हम सब भी ठीक है। तो ये दो दिन से मैं टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे ब्लॉगिंग करने के लिए, और जब टाइम मिलता था तब मोबाइल पे सर्च नहीं होता है क्योंकि मैं मोबाइल से ही ब्लॉगिंग करती हूँ, इसके वजह से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है आज कर लेती हूँ, और आज इन्होंने मेरे लिए कुछ लाया है खुद से, मतलब मैंने बोला नहीं है ऐसे सरप्राइज। जिम गए थे तो जिम के पास ही कोई बैठ के, मतलब एक लेडी कुछ सेल कर रही थी तो वहाँ से लेके आए। बहुत महंगा चीज़ नहीं है पर मेरे लिए बहुत महंगा है क्योंकि उन्होंने लाया है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ दिखा देती हूँ, आप लोग गेस कीजिए क्या होगा, शायद आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो ये है चूड़िया जो हाथ में पहनते हैं ना, ये रेड है कांच के, और मैंने खोला नहीं है, मैंने गैस कर लिया था पर कलर मालूम नहीं था। और ये भी सेम ग्रीन में है, ये रेड और ये ग्रीन। तो कैसा लगा आप लोग बोलिए कमेंट करके। इनाया ने भी इनाया के लिए भी लेने वाले थे बोल रहे थे, पर उनको डर लगा कहीं टूट ना जाए तो इसके हाथ पे और लग गए तो इसके लिए इसके लिए नहीं लिया है, सिर्फ मेरे लिए लिया है। और वैसे भी इनाया के पास बहुत सारा है, और चाहिए होगा तो हम लोग बाद में ले लेंगे जो फैंसी वाला रहता है ना। तो ये लिया है मैंने मेरे लिए, तो मैं जब डालूंगी आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी नहीं पहनूंगी, कहीं जाना होगा तो मैं दिखाऊंगी। नहीं इनाया ग्लास का है, टूट जाएगा गिरेगा तो, ठीक है। इसके चक्कर में इन्होंने अपना बॉटल भूल गया है जिम से लेके आने के लिए, तो अभी गए थे जिम वापस बॉटल लेने के लिए। अच्छा है ना, कमेंट में जरूर बताएं। तो नहीं मैं ऐसे रख दूँगी जहाँ पर मैं बैंगल्स रखती हूँ वहाँ पर रख दूँगी। मैंने चुपारी खा रखा है मुँह में इसलिए। तो इना सबको हाय बोलो, हाय बोलो। ये गुस्सा है मेरे ऊपर क्योंकि इनके पापा जिम गए थे तो भी जाना था बॉटल लेने के लिए, पर लेके नहीं गए बारिश आने के जैसा इसलिए, और साथ में इसके लिए बैंगल्स भी नहीं लेके आए क्योंकि इसको बैंगल्स बहुत पसंद है इसलिए। मिला तो जिम का बॉटल जो था मेरा वो छूट गया था जिम में आज आफ्टर वर्कआउट, तो वो मैं लाने गया था वापस, तो मुझे सही सलामत मिला और किसी ने नहीं लिया था। तो इनाय की जो साइकिल है उसके पीछे वाला टायर थोड़ा सा लूज हो गया तो उसको टाइट करना है। आज ये करने वाले हैं बाइसेप्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड में 10 kg लिया है, टोटल 20 kg।
पार्ट्स भी है। ये क्या है? जेसीबी। पार्ट्स दिखाओ, अपना पार्ट्स दिखाओ। वाओ नाइस, बाय। धीरे इनाया यहाँ पर खेल रही है, आयान पढ़ रहा है और ये अपने काम पे बिजी है। मैं इनाया के पास बैठकर ही देख रही हूँ, तो इसने अपना पूरा जेसीबी को खोल दिया है। फिंगर में व्हील्स को रख के खेल रही है। तो मैंने आज कपड़ा धोया, उसी को मैं अभी फोल्ड करने वाली हूँ। इनाया यहाँ पर आई है मुझे थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। तो कपड़े सुखाने के टाइम जो हम लोग क्लिप को यूज़ करते हैं, तो वो रख रही है एक साइड में। मैं इसको बाथरूम में ही रखती हूँ, इसलिए मैं एक हैंगर में रख देती हूँ ताकि ऊपर सर पे ले जाने के लिए आसान हो और आसानी से लेके जा सकते हैं, तो इसलिए मैं हैंगर को ही लेके चली जाती हूँ ऊपर में। कपड़ा तो मैं धोती हूँ मशीन में ज़्यादातर, और थोड़ा बहुत कपड़ा है तो हाथ से धो लेती हूँ और नीचे ही सुखा लेती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा कपड़ा है तो मैं सर पे सुखाती हूँ, और तब मेरे हबी जाते हैं ऊपर, मेरे हस्बैंड जाते हैं सुखाने के लिए। मैं धो के सब रेडी करके देती हूँ, वो आयान को लेके जाते हैं। अभी तो आयान का स्कूल बंद है, तो दोनों जाके मिल के कपड़ा सुखा के आते हैं, और वापस जब सूख जाता है तो लेने के लिए मैं जाती हूँ इनाया के साथ। पहले मैं कपड़ा को फोल्ड करके अच्छे से एक साइड पे रख लेती हूँ, उसके बाद अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो कल है फ्राइडे, तो इसलिए मैंने आयान और इनाया के बालों में भी ऑयल लगा दिया है और दोनों सो गए हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:30 या 12:45 हुआ है शायद, मैंने टाइम नहीं देखा है। तो इनको मैं थोड़ा सा अभी चंपी करने वाली हूँ, जो फ्राइडे को लगा देती हूँ। फ्राइडे को नहीं, ज़्यादातर मैं डेली ही अप्लाई करती हूँ, कभी कभार मिस हो जाता है। तो सिर्फ सैटरडे या संडे या फिर कभी बंद रहता है ना, तो ये मेरे बालों में लगा देते हैं।
पर हर रोज़ मैं इनके बालों में ऑयल लगा देती हूँ, कभी कभार मिस हो जाता है, पर ज़्यादातर कोशिश करती हूँ हफ्ते में 3 या 4 दिन तो लगा ही लेती हूँ। और आप लोगों को तो पता ही होगा ये होममेड ऑयल है, मैंने घर पर ही बनाया था मस्टर्ड ऑयल में, और ये मेरा करीब 1 महीने तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। और मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, सिर्फ 1 महीने के लिए ही बनाती हूँ। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इसको कैसे बनाते हैं तो मेरे दूसरे चैनल में है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं अपने बालों में खुद ही लगा लूँगी, सिर्फ इनको लगा लूँगी। तो थर्सडे को मैं सबको इनाया आयान और इनको भी और खुद के बालों में भी ऑयल लगा लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि फ्राइडे तो जुम्मा है, सबको जल्दी उठ के नहाना पड़ेगा ही, शैम्पू अच्छे से करेंगे सब लोग, तो इसलिए ऑयल का भी ऑयल हो जाता है और शैम्पू का भी शैम्पू हो जाता है। तो मैंने इनको थोड़ा सा मसाज कर दिया तो उनको अच्छा लग रहा है, कभी कभार कर देती हूँ मैं इनको। लॉकडाउन के टाइम मैं हर रोज़ ही करती थी, अभी थोड़ा टाइम नहीं, मतलब लेजीनेस बोलते हैं ना, वो अलसी बन गई हूँ, तो इसलिए मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसे मसाज कर देती हूँ तो इनको अच्छा लगता है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग्स ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप चाहे तो मुझे इंस्टा पे भी और इन्हें भी इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।